डियर माय फ्रेंड्स, अभी एक चीज आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ पे नो स्ट्रेटजी मतलब लॉस लिमिट, प्रॉफिट देन अनलिमिटेड। मतलब लॉस बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। क्या है अभी कौन सा स्ट्रेटजी समझाऊंगा वो तो अपन को नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ आपको। यहाँ पे जो स्ट्रेटजी होता है इसमें क्या होता है, ये जो है वो आउट ऑफ द मनी नहीं तो एट द मनी में भी आप ले सकता है। मतलब आपको मार्केट, सपोज आप मार्केट चल रहा है कितना में, 11,000, 11,468, राइट। आपको यहाँ से 100 100 200 मोमेंट होना चाहिए, तो 100, यहाँ पे 50 50 100 बोले तो 100 का मतलब 100 पॉइंट का अंदर ही अगर क्लोज हो जाएगा तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। लॉस ओनली 2 500, ऐसा 3 400 हो सकता है। तो मैं ये स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो कैसा, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना हमारा स्ट्राइक प्राइस आ रहा है, 11,000, 11,000 सॉरी 11,464 प्राइस आ रहा है, राइट। तो हम 11,064 प्राइस का स्ट्राइक प्राइस चुनेगा, अपन दूसरे वेबसाइट में नहीं, यहाँ से दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल का है यहाँ पे, देखना देखना मेरा आँख में कमजोरी दिख रहा है लगता है। यहाँ पे आ रहा है 460, राइट। यहाँ पे हम क्या करेगा, हम हमारा लग रहा है जो मार्केट यहाँ ही क्लोज होने वाला है, राइट। ये 145 140, राइट, यहाँ का स्ट्राइक अराउंड 50, हमको लग रहा है ये इसका 220 में क्लोज होने वाला है। तो हम क्या करेगा, आप उनको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, तो हम क्या करेगा 11,500, राइट, 11,500 और 11,500 का कॉल करेगा, पुट कॉल दोनों को हम सेल करेगा। कैसा, अभी वो हम आपको समझाएगा। मतलब आप किधर का बिल्ले हो, सपोज अब पीछे भी जाओ ना, वो हमेशा आउट ऑफ द मनी में करना तो अच्छा रहता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ही देता हूँ, यहाँ 11,450 मार्केट यहाँ में ही रहने वाला है। सपोज खोलने के बाद, मतलब ये इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, ये लॉन्ग पोजिशन के लिए बिल्कुल नहीं करना, इंट्राडे में मतलब एक्सपायरी डे का बात कर रहा हूँ। तो 11,450 सपोज 11,500 चल रहा है, तो 11,450 11,500, तो हम क्या करें यहाँ पे जाएगा, तो 11,000 फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ऑप्शन, राइट। ऑप्शन राइट करके क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सी का, तो हमें स्ट्राइक प्राइस चुन रहा है 11,500, राइट, 11,500 का स्ट्राइक प्राइस चुन रहा है। जस्ट स्ट्राइक प्राइस सपोज 1 लॉट ही देता, 1 लॉट देन सेल, राइट, सेल कर दिया, राइट, सेल हो गया। तो सेम ही इसका सी और पीओ की भी सेम स्ट्राइक प्राइस, भागना नहीं किधर, सेम स्ट्राइक को क्या करना, 1,300 कितना, 1,67 इसका भी शॉर्ट कर दिया। तो हम क्या करें, फिर से 11,000 को शॉर्ट कर दिया, तो पी को शॉर्ट किया। मैं अभी कॉल कॉल पे चले जाता हूँ, कॉल में जाना है, 11,500 किया ना, तो यहाँ पे 11,500 का जात, यहाँ पे 500, आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो मैं 550 50 पॉइंट का ज़्यादा रख रहा हूँ, राइट। 50 पॉइंट का जाग के हम क्या करेगा, इसको हम बाई करेगा, बाई कर दिया। फिर यहाँ क्या करेगा, जो 11,500 किया है ना, तो इसको काट करेगा, तो फर्स्ट काट करके 11,450, राइट, और 500 400 हो रहा है, 450, राइट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सी को पी बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऐड कर देगा बस। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसा हुआ नहीं हुआ। तो बस्ट हो गया हमारा काम, बस्ट हो गया। क्या हुआ, लॉस लिमिट प्रॉफिट दिन अनलिमिटेड। यहाँ पे हंसी आएगा आपको, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने वाला है। मतलब मार्केट हाई क्लोज हुआ तो आपको प्रॉफिट मिलना है। प्रॉफिट कितना है, 8%, मतलब 8% आपको पॉसिबिलिटी है आपको काम होने वाला है। लॉस कितना, 98 रुपीज ओनली ऑप्शन में, ठीक है। 98 मतलब 100 रुपये सपोज लॉस है, और प्रॉफिट 3,000। वो कौन सा टाइम में, ऐसा भी कभी कभी टाइम में मिल जाता है, मतलब मार्केट साइडवेज हो जाता है, उसके बाद मार्केट वही क्लोज हो जाता है, क्योंकि वहाँ ही क्लोज हो जाता है। कैसा, अभी कभी कभी मार्केट भागता नहीं, एकदम साइड ऐसे एक जगह से नड़ता घूमता नहीं दिन भर, मतलब दिन भर नहीं, ऐसा अभी 2 3 घंटा, मतलब
घूमता नहीं, किधर भी नहीं घूम रहा है ज्यादा, 100 200 का 100 अंदर होना चाहिए। तो ये अंदर 50 उधर 50, 100 ठीक है, 50 50 लिया, आप चाहे तो 100 भी ले सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस और 500 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, 100 रुपया आया तो 500 रुपये और स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका प्रॉफिट भी आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसी ऐसा है ये, नो यहाँ लॉस तो बिल्कुल होने वाला नहीं है, लॉस आपको 98 रुपीज़ लॉस है, आपको प्रॉफिट है 3000। ये क्या है, ये नॉन, यह कैसा होता है मालूम है, मार्केट सब साइडवेज चल रहा है, यहाँ ही रुका है, यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, जा रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब जैसा मतलब सोने का सो रहा है, इसे जा रहा है, आ रहा है, मतलब एक ही रेंज का अंदर रहना चाहिए, तभी जाके आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 11400 का लिया, राइट, 11450, तो आप 11400 भी राउंड आपका 450, तो 11450 हम एक बार 300 दे के देखता हूँ, 100 पॉइंट का 11300 भी लेके देखता हूँ। ठीक है, तो क्या कैसा हाल है हम देखता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ पे और कैसा बनता है एक बार देख लेता हूँ। और 11300 देख लिया, और 11300, 11550, 11500, 11500, यहाँ पे दोनों को शॉर्ट किया, 11550, हम 11600 डाल देता हूँ। ठीक है, एक बार क्या होता है देख लेता हूँ इसको भी, मतलब यहाँ मॉडिफाई 11600, राइट 60, राइट 11600। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दूसरा सिस्टम हो जाता है, तो आपको ये अलग से हो जाएगा, फिर आपको लॉस प्रॉफिट 57% हो जाएगा, तो वो नहीं होता वहाँ से, ओनली मतलब यहाँ का स्ट्राइक प्राइस भी देखना पड़ेगा। तो वो हमारा वही अच्छा था, 11500, यहाँ पे 11500 दोनों स्ट्राइक प्राइस सेल किया, तो 11600 सी और 9585, तो इसका लॉस ज़्यादा हो रहा है ना, तो 11600, 11500 दोनों को स्ट्राइक प्राइस सेम होना चाहिए ना बाइंग का भी, तो यहाँ पे 11550 ही बराबर था, क्योंकि वहाँ का भी दोनों को सेम 550, राइट 550, यहाँ का कितना आ रहा है प्रीमियम अभी पता चले, 110 रुपये, तो 110 95, बस ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे 95, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है कि 95 था ना, तो 3 यहाँ पे 4 आना चाहिए, वो 50 पॉइंट का ही गैप रखना चाहिए, 4 5, ओके राइट। तो यहाँ पे हमको वही है, यही बराबर है, बस वो 50 पॉइंट का गैप अब रखना चाहिए, तो 140 110, ऐसा आपको ग्राफिकल ऐसा आना चाहिए, बस इतना ही, लॉस कितना है मिनिमाइज करना। अभी आपको यहाँ पे आप सपोज एक लॉट लिया, आप कितना एक एक लॉट को आपको दिखा दिया, बस इतना है, नो ऑनेस्ट, आपको लॉस बिल्कुल कितना है 100 रुपीज़, और प्रॉफिट है 3000, ये कौन से 8% पॉसिबिलिटी है आपको यहाँ पे मार्केट काम करेगा। तो एक सेम ही स्ट्राइक प्राइस को एक बाय दोनों को शॉर्ट करा, देखो मैं एक ही स्ट्राइक प्राइस को दोनों शॉर्ट किया, 136 167 दोनों को शॉर्ट कर दिया, और इसी का मैं इसका आगे 50 पॉइंट का आगे मैं एक कॉल साइड का बाय किया, और पुट साइड का भी 50 पॉइंट आगे मैं एक बाय किया। तो क्या है, दोनों को ही एक्चुअली 50 पॉइंट आगे आपको यहाँ पे लॉस भी नहीं होगा, 50 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट का आपको लॉस है, राइट। तो और प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड बोलो तो 3000 आपको प्रॉफिट होने वाला है, राइट। यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज हो जाएगा तो आपको 3000 प्रॉफिट मिलने वाला है, और 39000 मार्जिन आपको यूज होने वाला है, राइट। तो ये है नॉन लॉस, मतलब जब लॉसेस या इंट्राडे यूज करा जाता है, जब मार्केट बहुत साइड हो चले 100 पॉइंट का अंदर रहना चाहिए, मार्केट समझ में आ जाता है कौन सा टाइम में क्या यूज करना, वो तो आप लोग को प्रैक्टिस के ऊपर यूज होना, 1000 स्ट्रेटेजी दीजिए, जितना बोला हमें इतना यूज करो, आपको प्रॉफिट। थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, भूलना ही नहीं, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा हूँ, किधर हमारा वीडियो है साला, यार लाइक कर, लाइक कर।